दोस्तों, इरेक्शन में प्रॉब्लम, तनाव में प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन मेल इशू होते हैं। स्पेशली 40 साल के बाद अगर आपको तनाव धीरे धीरे कम होने लगता है, उतना स्ट्रांग नहीं आता जितना कि आपको पहले आता था, या कभी आपका हो जाता है कभी आपका नहीं हो पाता, तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है बिल्कुल नॉर्मल है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ कि एक एज के बाद इतना तनाव आपको नहीं आएगा जितना आपको जवानी के दिनों में 18 से 30 साल की एज में जो आता रहा है, तो कभी कभी एक्सेसिव स्ट्रेस, फिजिकल लोड बढ़ जाने के कारण, मेंटल लोड बढ़ जाने के कारण आपको ईडी का सामना करना पड़ सकता है, या किसी और बीमारियों के चलते जिनकी हम आगे बात करेंगे। तो अगर मैं बात करूं कि यदि आपको पिछले 3 महीनों से बिल्कुल भी तनाव नहीं आ रहा है, और आता भी है तो कुछ सेकेंड के लिए आता है और फिर चला जाता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर रेडी हो और आपको बिल्कुल भी तनाव ना आए। बाहर से व्याघ्र लेने के बाद भी आपको तनाव नहीं आता, तो आप समझ जाना चाहिए कि आपको ट्रीटमेंट लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्पेशली बात करूँ कि डायबिटीज जो पेशेंट होते हैं, डायबिटिक पेशेंट होते हैं, और जिन लोगों को थायराइड की समस्या काफ़ी समय से चल रही है, या इनको ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड कोई समस्या चल रही है, इनमें इरेक्शन की कमी अक्सर देखी जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनील पाटीदार और मैन स्ट्रोक के अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे हमारे ऐसे भाइयों की समस्या के बारे में जिनकी 40 से 45 हो गई है और जिनकी परफॉर्मेंस पहले ठीक थी, बट अब इंटरवेल के बाद वो दोस्तों ठीक से बैटिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे साथियों की होम्योपैथिक में एक बेस्ट मेडिसिन है, वह है लाइकोपोडियम वनम। लाइकोपोडियम इम्पोटेंसी को दूर करने के लिए एक यूज़फुल मेडिसिन है। ऐसे लोग जिनकी की सेक्सुअल डिज़ायर तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन उनकी जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस है बिल्कुल शून्य हो गई है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का होना, लिंग में तनाव की कमी, और अब छोटापन भी उनको रहने लगा है। इसके दो कारण हो सकते हैं कि या तो वे लोग अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो चुके हैं, वे लोग जो पहले तो ठीक थे लेकिन जिन्होंने अत्यधिक हस्त मैथुन करके अपने आप को कमज़ोर कर लिया है और अब जवानी में भी बूढ़े जैसे दिखने लगे हैं। इस समस्या में यह ओल्ड एज के लोगों के लिए भी उतनी ही कारगर है जितना कि एक न्यूली मैरिड पर्सन के लिए। दोस्तों, इसे आपको 1 एम पोटेंसी में लेना चाहिए, 2 ड्रॉप सप्ताह में एक बार आपको डायरेक्टली ऑन टंग इसको लेना चाहिए। नेक्स्ट मेडिसिन जो इस एज ग्रुप के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी मेडिसिन है, और वह मेडिसिन है दोस्तों डेमियाना क्यूब। इस मेडिसिन को हम 3 अलग अलग पॉइंट के जरिए समझेंगे कि यहाँ पर ये ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो जो पहले नंबर का पॉइंट है जिसमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है, वह सेक्सुअल न्यूरोस्थीनिया के केस में। और ये सेक्सुअल न्यूरोस्थीनिया क्या होता है, हम पहले इसे भी समझ लेते हैं। तो न्यूरोस्थीनिया यानी कि आपको फिजिकल या मेंटल लेवल पे आपको वीकनेस हो रही है, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है, बहुत ज़्यादा आपको थकान महसूस आप कर रहे हैं, और ये जो थकान है, ये जो वीकनेस है, वो आपको यौन ऑर्गन के अब्यूज़ करने के कारण या ओवर यूज़ करने के कारण हो रहा है। कैसा ओवर यूज़? तो यदि आपको इस तरह की हैबिट फॉर्म हो रही है मास्टरबेशन की, या फिर आपने सेक्स के लिए इसको ऑर्गन का ओवर यूज़ किया है, तो वहाँ पर जहाँ पर आपको ज़रूरत इसकी नहीं थी, ऐसी हैबिट आपको फॉर्म हो गई है जिसकी वजह से आपकी जो सेक्सुअल वीकनेस का आपको अब सामना करना पड़ रहा है, अपने माइंड के लेवल पर, आपके जेनाइटल ऑर्गन के लेवल पर, और ऑफकोर्स आपके फिजिकल लेवल पर आपको वीकनेस लग रही है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो इस दवा का, वो है प्रीमेच्योर इजुकुलेशन की समस्या। टाइमिंग इश्यूज़ के लिए बहुत अच्छा है, वर्क करती है। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था उससे आप इसे रिलेट कर सकते हैं कि यदि आपने ओवर यूज़ किया है अपने ऑर्गन का, जहाँ पर ज़रूरत नहीं थी वहाँ पर भी आपने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, तो उसकी वजह से आज आपको वीकनेस लगती है, आज आपको अपनी टाइमिंग में कमी लगती है। जो आपकी पहले जो टाइमिंग थी वो बिल्कुल भी नहीं रह गई है, तो ऐसे में ये मेडिसिन इस समस्या के लिए एक बहुत अच्छा टॉनिक की तरह ही काम करती है। 40 साल से एज प्लस वाले लोगों के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन मुझे लगती है, और बहुत ज़्यादा मैं इसको पेशेंट को सजेस्ट किया करता हूँ। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, वो है लॉस ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर। तो यहाँ पर अगर आपको इस तरह की कंडीशन देखने को मिल रही है कि यानी कि आपकी जो डिज़ायर है वो डिक्रीज़ हो चुकी है, यहाँ मैं इंक्रीज डिज़ायर की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, डिक्रीज़ की बात कर रहा हूँ, जो कि लाइकोपोडियम मेडिसिन के डिस्कशन में हमने किया था, वैसा नहीं, यहाँ पर डिक्रीज डिज़ायर की बात हो रही है। तो जो आपकी जो वाइटिलिटी है इन चीज़ों को लेके, अब वो लो हो चुकी है, यानी कि आपकी जो डिज़ायर है सेक्स की वो अब डिक्रीज़ हो गई है, टाइमिंग इश्यूज़ हो गए, न्यूरोस्थीनिया की कंडीशन डेवलप हो गई है। तो यहाँ बेसिकली जो चीज़ है वो डिक्रीज़ होते हुए दिख रही है। तो मेरे तीनों ही पॉइंट में आपको एक चीज़ कॉमन ज़रूर से समझ आई होगी कि इसे आप किस किस केसेस में ले सकते हैं। अब आपकी जो वाइटिलिटी है सेक्स को लेके वो डिक्रीज़ हो गई है, यानी कि आपकी जो गति है, टाइमिंग है, वो धीमी हो गई है, इस केस के अंदर आप इसे डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। अगेन,
आपको मास्टरबेशन इशू रहा है और वो आपका कारण हो गया है, जिसकी वजह से आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये मेडिसिन अगेन आपके लिए ही है। तो यहाँ मैं आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दिए हैं इस मेडिसिन को यूज़ करने के लिए। देखिए, अगर आपको वीकनेस लगती है मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, ऑर्गन लेवल पे, तो आप समझ गए कि आपकी जो वाइटलिटी है वो डिक्रीज़ होती जा रही है, आपकी जो कैपेबिलिटी है वो डिक्रीज़ होती जा रही है और आपको इसे रिगेन करना है, वापस इसको फॉर्म में लेके आना है। तो वहाँ पे आपको क्या करना होगा, वहाँ पे आपको एक टॉनिक देना होगा और वो टॉनिक है डेमियाना क्यूब। दोस्तों अब चलते हैं इसके डोजेज पर। तो आप इसे ले सकते हैं 20 बूंद सुबह, 20 बूंद रात को, एक कप पानी में मिलाकर लगभग 2 महीने के लिए। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आफ्टर 40 सेक्स प्रॉब्लम के लिए यूज़ होने वाली एक और होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, और वो दवा है दोस्तों कोनियम मैकुलेटम 200। तो ऐसे क्या सिम्टम्स आप देखते हैं कोनियम में? तो दोस्तों कोनियम प्रेस्क्राइब करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जो सिम्टम है वो है दोस्तों सप्रेशन ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर, यानी कि आपके अंदर सेक्सुअल प्रॉब्लम शुरू होने का जो पीछे जो कहीं ना कहीं जो बहुत बड़ा कारण है वो है सप्रेशन ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर। इसका मतलब है आपने दबाया है अपनी यौन डिज़ायर को, आपके अंदर जो इच्छा थी, एक नेचुरल जो फीलिंग होती है उसको आपने दबा दिया, सप्रेस कर दिया है। वो फीलिंग को दबाने के बाद अगर आपके अंदर यौन प्रॉब्लम शुरू हो गई है, तब जाके हम कोनियम मैकुलेटम मेडिसिन के बारे में सोचते हैं। तो एक इंसान अपनी जो नेचुरल फीलिंग है दोस्तों उसको कब दबाएगा, क्या कारण इसका हो सकता है उसको दबाने के पीछे? तो कारण दोस्तों बहुत सारे हो सकते हैं, आपको समझना पड़ेगा, बीइंग ए डॉक्टर हमें समझना पड़ेगा कि कौन सा कारण हो सकता है। कि जब किसी बंदे की वाइफ दोस्तों यदि एक्सपायर हो जाती है तो उस दौरान क्या होता है कि बंदे के अंदर जो यौन इच्छा होती है, जो अर्ज होती है, उसे दबाना पड़ता है, उसे सप्रेस करना पड़ता है, क्योंकि जो उसकी वाइफ है वो चली गई है, अब वो सेक्स कहाँ पे करेगा। तो बहुत से आदमी है कि जो बाहर जाकर कहीं दोस्तों सेक्स कर लेते हैं, कोई अपना पार्टनर नया बना ले, लेकिन बहुत से आदमी ऐसे भी होते हैं, उनका ईगो हर्ट होता है, उनकी डिग्निटी के अगेंस्ट ये बात मानी जाती है, तो वो लोग कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे वो नहीं जाते हैं और अपनी सेक्सुअल डिज़ायर को दबाते हैं, सप्रेस करते हैं। और इस प्रकार दबाते दबाते एक ऐसा समय आ जाता है कि उनको जो है कि उनकी जो नेचुरल फीलिंग है वो पूरी तरीके से दब जाती है। पर्सन फिर सोचता है कि मैं दोबारा शादी करना चाहता हूँ, लेकिन अब जो है उसकी जो फीलिंग को वो दबाते दबाते एक ऐसी कंडीशन उसके अंदर पैदा कर लिया है दोस्तों कि उसकी जो नेचुरल अर्ज है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। नेचुरल अर्ज दबने से उसको ईडी की समस्या, यानी कि लिंग में इरेक्शन ना आने की समस्या हो चुकी है। तो ऐसे पेशेंट को हम प्रेस्क्राइब करते हैं कोनियम मैकुलेटम 200, दो दो बूंद सुबह और शाम को। दोस्तों आशा करता हूँ कि अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आपके लिए इन तीनों में से कौन सी दवा बेस्ट है, और अब भी यदि आप कन्फ्यूज़ हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसका 100% आंसर करूँगा। और यदि आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो बिना किसी संकोच के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप पेड कंसल्टेशन ले सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।